नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब के बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा कि आपने यहां पर देखा कि बैंक निफ्टी में जो आज मूव हुई वो मूव एक वॉलेटाइल थी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और सेम लेवल के आसपास आके क्लोज हो गया। और देखिए यहां पर जो एक डोजी कैंडल बनी है, अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर कंटिन्यू 3 दिनों से यहां पर देखिए जो कैंडल है यहां पर बन रही हैं वो जो है अनडिसीजनल कैंडल्स बन रही हैं। जो यहां पर ये रेड कैंडल बनी हुई है और ये जो 10 दिसंबर की जो कैंडल बनी थी ये कैंडल भी देखिए एक अनडिसीजन कैंडल है। और इसके बाद फिर जो है ये डोजी कैंडल बनी है, ये भी जो देखिए एक डोजी हम इसको कह सकते हैं, मतलब डोजी ही है और ये भी अनडिसीजन कैंडल है। और फाइनली जो आज जो कैंडल क्लोज हुई है वो भी एक डोजी कैंडल है। मीन्स हम जहां से क्लोज हुए थे उसके आसपास से कहीं आकर, जहां से ओपन हुए थे उसके आसपास आकर कहीं क्लोज हो गए। तो अब देखिए यहां पर जो कंटिन्यू जो इसके हाई लग रहे हैं वो कंटिन्यू सेम लेवल के हाई यहां पर लग रहे हैं। आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल सेम लेवल के हाई हैं। ये जो हाई लगा हुआ है ये हाई लगा है देखिए 30,807 का। इसके बाद जो फ्राइडे का जो हाई लगा वो लगा 30,811 का और जो आज का हाई लगा वो लगा 30,844 का। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि मतलब 30,800 के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं आ रही है और 30,800 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तो उसके बाद हम वहां पर जो है बुलिश होने वाले हैं, उसके बाद हम जो है लॉन्ग जा सकते हैं। और फाइनली अगर हम यहां पर एक नीचे देखें तो यहां पर हमको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई देगा। तो ये देखिए मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पर, हमको यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। देखिए जो बैंक निफ्टी है उसकी मूव कंटिन्यू ऊपर की तरफ है और यहाँ पर डाइवर्जेंस जो हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू नीचे की तरफ जो है इसकी मूव है, इसको हम नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट की, आज हमने किस तरह से ट्रेड किया वो सारी चीजों की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो फाइनली देखिए मैंने जैसा कि मतलब आपको कल की वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पर कि देखिए ये जो लेवल है, ये जो ऊपर का जोन है 30,800 का, ये एक सेलिंग जोन है। सो यहां पर अगर आपको बैंक निफ्टी मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाया था कि यहां पर देखिए पहला टॉप यहां बन चुका है, दूसरा टॉप यहां बन चुका है और अगर यहां पर कहीं आपको अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो ये ट्रिपल टॉप पैटर्न यहां पर बन जाएगा और यहां पर आप जो है क्लियर कट सेल साइड के लिए जा सकते हैं। सो अगर जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैं उम्मीद करता हूं उन लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। यहां पर देखिए हमने मार्केट खुलते सार ही यहां पर जो है शॉर्ट की पोजीशन अपनी बना ली थी और मैंने यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल में चार्ट भी पोस्ट कर दिया था और आपको बता दिया था कि मैंने यहां पर जो है सेल की पोजीशन बनाई है। सो देखिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां पर मैं इंट्राडे के चार्ट में पोस्ट करते रहता हूं बैंक निफ्टी के। देखिए वहां पर पल पल की वहां पर मूवमेंट की मैं बताते रहता हूं कि अभी कौन से सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है या क्या कुछ है, वो सारी चीजें मैं वहां पर कंटिन्यू आप लोगों को बताते रहता हूं। सो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो फाइनली देखिए ये हमारा कंफर्मेशन ट्रेड था बिल्कुल यहां पर, क्योंकि हम पहले से अपना प्लान बनाकर आए थे कि हमने 30,800 के आसपास अगर बैंक निफ्टी हमको मिलेगी तो हम यहां पर सेल करेंगे। और फाइनली देखिए हमको जब 30,800 के आसपास बैंक निफ्टी यहां पर मिली तो हमने देखिए यहां पर जो है इसको हमने पुट बाय करी। और देखिए यहां पर जब हमारे पास कोई कंफर्मेशन ट्रेड होता है, कंफर्म होता है, तो वहां पर हम क्वांटिटी का साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, वहां क्वांटिटी हम डबल या ट्रिपल भी ले लेते हैं। वैसे अगर मान लीजिए मैं 25 लॉट में ट्रेड करता हूं तो मैं कभी और 75 लॉट में भी ट्रेड कर लूंगा, मैं 100 लॉट में भी ट्रेड कर लूंगा अगर मेरे पास यहां पर कंफर्मेशन है बिल्कुल। सो फाइनली देखिए यहां पर कंफर्मेशन के साथ हमने जो है इसको एक बड़े लॉट बड़े क्वांटिटी के साथ यहां पर ट्रेड किया और फाइनली पहला प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद दोबारा जब देखिए यहां पर बैंक निफ्टी हमको दोबारा इस लेवल पर मिला है, दोबारा जब फिर इस लेवल पर मिला है उसके बाद फिर हमने दोबारा एक शॉर्ट की एंट्री बनाई और फाइनली हमने 2 ट्रेड में ही इतने अच्छे प्रॉफिट बना लिया था कि मतलब हमको आगे ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी, बट दिल है कि मानता नहीं यहां पर। ठीक है, यहां पर मतलब कम से कम जब तक 5-7 ट्रेड ना हो जाए इंट्राडे ट्रेडर के लिए तब तक इंट्राडे ट्रेडर कहां बैठता है। सो फाइनली यहां पर हमको जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती गई तब तब हमने यहां पर ट्रेड किया। बट देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगी बिकॉज यहां पर मार्केट जो है कंटिन्यू साइडवेज गई है। देखिए हमको यहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने पड़ते हैं। सो यहां पर हमको 1 मिनट या 2 मिनट के चार्ट में भी जाना पड़ता है। तो चलिए ये थी आज की बातें जो भी थी। देखिए मैंने आपको सारे आज मैंने कम से कम आपके लिए मैंने 20-25 चार्ट मैंने पोस्ट किए होंगे टेलीग्राम में और उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। मैंने आज वहां पर आपको एक दो कॉल्स भी दी थी, वो कॉल्स भी जो है अच्छा करके गई आज। तो फाइनली चलिए आज तो जो होना था हुआ, अब हम बात करेंगे कल के लिए कि कल क्या हो सकता है, कल के लिए हमारे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कल कहां हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहां पर 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट का चार्ट देखिए अब आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये डिलीट करूंगा और दोबारा से आपको ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये ट्रेंड लाइन है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अभी मैं इसको बाद में ड्रॉ करूंगा और मैं आपको पहले मैं लेवल्स वगैरह दिखा देता हूँ। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आज के पूरे सेशन में क्या हुआ है, पूरे सेशन में जो है बैंक निफ्टी साइडवेज रही है, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक देखिए रेंज बन चुकी है। देखिए चीजों को ध्यान से समझिए, चीजों को ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी ट्रेड करने में, पैसा बनाना। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना अगर आप चीजों को सीख कर समझ कर करते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए एक रेंज बन चुकी है। अगर हम ऊपर की रेंज की बात करें तो ऊपर की रेंज जो है 30,850 की है, और नीचे की रेंज की बात करें तो नीचे की रेंज जो है 30,650 की है। मीन्स ये 200 पॉइंट्स की रेंज यहां पर बनी हुई है। अब हमको देखिए यहां पर क्या करना है, ना तो हमने यहां पर एंट्री लेनी है ना अब यहां पर 30,800 के आसपास का एंट्री लेनी है। अब हमने यहां पर पेशेंस रखना है और इसके ब्रेकआउट की वेट करना है। इसका अब हम जब जहां पर भी ब्रेकआउट होगा, अगर मान लीजिए ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो हम यहां पर बायर बन जाएंगे, हम यहां पर कॉल बाय कर लेंगे। और मान लीजिए यहां पर अगर 30,650 का यहां पर ब्रेकआउट होता है तो हम यहां पर सेलर बन जाएंगे और हम यहां पर पुट बाय करेंगे। तो फाइनली यहां पर देखिए अब ये रेंज ही डिसाइड करेगा कि हमने कौन सा ट्रेड हमको मिलने वाला है मार्केट से, मार्केट हमको क्या देने वाला है, अब ये रेंज डिसाइड करेगा। तो फाइनली देखिए अब मैं ऊपर की रेंज आपको बता देता हूं कि ऊपर की रेंज आपको कहां तक लेकर जा सकती है और नीचे की रेंज आपको कहां लेकर जा सकती है। तो फाइनली देखिए जब ये रेंज ब्रेकआउट है, इसको देखिए ये एक पैटर्न होता है, और इस पैटर्न का देखिए क्या टारगेट होता है, जो इसके अंदर की रेंज है, मींस मेरे कहने का मतलब है ये 200 पॉइंट्स की रेंज है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हम पहला अपना प्रॉफिट 200 पॉइंट्स पे बुक करेंगे। मींस हम मान लीजिए अगर ये 30,650 के लेवल पे है तो हम यहां पर 30,450 पर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है 30,850 को तो हम जो है 31,050 के आसपास हम यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सो अब यहां पर ये रेंज ही डिसाइड करेगी, रेंज ब्रेकआउट ही डिसाइड करेगा कि जो है बैंक निफ्टी अभी कहां पर जाने वाली है, ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। और फाइनली देखिए मैं आपको अब एक और लॉजिकल चीज बता देता हूं कि ये हमने यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी ट्रेंड लाइन भी देखिए यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम यहां पर जो है देखिए ये जो लेवल यहां पर आ रहा है ये भी 30,450 और 30,470 के आसपास का लेवल ही आ रहा है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपने यहां पर ट्रेंड लाइन के आसपास अपना प्रॉफिट यहां पर बुक करना है। और दूसरी बात यह है, ये चीज ध्यान रखना है कि इस ट्रेंड लाइन से फिर दोबारा बाउंस बैक हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमारे लिए जो नीचे के सपोर्ट इंपॉर्टेंट है वो सपोर्ट देखिए मैं आप लोगों को ड्रॉ करके यहां पर बता देता हूं। देखिए एक तो 30,225 और 30,250 के आसपास यहां पर आप जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहां पर जो है यहां पर सपोर्ट आपका ये है 30,450 के आसपास, जैसा मैं कि मैंने अभी आपको 30,450, 30,350 और 30,250 ये आपके नीचे के लेवल रहेंगे, और ऊपर के जो लेवल रहेंगे वो रहेंगे 31,050, 31,150, 31,300, ये ऊपर के हमारे टारगेट रहेंगे। तो देखिए अब मैं आपको तीन सिनेरियो बताऊंगा, यहां पर गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। अगर मान लीजिए यहां पर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम वहां पर 31,000 की कॉल बाय कर लेंगे या फिर 30,900 की कॉल बाय करेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और गैप डाउन होने के बाद हमको कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो वहां से आप बाइंग कर सकते हैं, बट बाइंग आपको करना है कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर, कुछ अपने डाटा एनालिसिस करके इस यहां पर आपने बाइंग करना है। और मान लीजिए यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग में आपने जो एक पेशेंस बना के रखना है, और वहां पर प्राइस एक्शन जब ब्रेकआउट होगा प्राइस एक्शन का तो वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। सो मैंने आपको तीनों सिनेरियो यहां पर बता दी किस तरह से ट्रेड करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर सिर्फ ये रेंज है, आप इसी का ध्यान रखिए, बस ये रेंज ही मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये रेंज जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा उस तरफ हम कम से कम 200 से 400 पॉइंट हम बुक करने वाले हैं, जो देखिए 1:1 जो है 200 पॉइंट होगा और 1:2 जो है 400 पॉइंट होगा। तो फाइनली हमने देखा गया है कि मतलब जब भी इस तरह के रेंज ब्रेक होते हैं तो कम से कम दो गुना टारगेट तो देकर ही जाते हैं। सो 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे के लिए तैयार रहिएगा, इस रेंज ब्रेकआउट पर नजर बनाकर रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में, देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस किया। तो यहां पर फाइनली देखिए एक्सिस बैंक देखिए जिस तरह से मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में दिखाया कि यहां पर देखिए रेंज में जो है बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, 15 मिनट के चार्ट में दिखाया मैंने आपको। तो यहां पर ये डे का चार्ट है और यहां पर भी देखिए आप यहां पर एक रेंज बन चुकी है, जो ऊपर की रेंज है वो देखिए 640 की है और जो नीचे की रेंज है वो 590 के आसपास की, तो ये 50 पॉइंट्स की जो है रेंज बनी हुई है। अब ये जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा हम वहां पर पहला टारगेट हमारा 50 होगा, दूसरा टारगेट हमारा 100 होगा। तो देखिए अभी यहां पर जो है आप जो है 640 के ऊपर अगर यहां पर ब्रेकआउट आता है तो फिर यहां
पर बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर जब 590 के नीचे यहां ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है तो यहां पर आप सेलिंग कर सकते हैं। फिलहाल जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक आपने यहां पर कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, अभी जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम यहां पर बुलिश है, और मे बी यहां पर एक कल को थोड़ा सा नीचे आकर यहां पर जो है डोजी कैंडल बनाने के बाद फिर यहां से बाउंस बैक कर सकता है। सो ट्रेंड लाइन के आने के बाद इसको ट्रेड करिए, अदरवाइज इसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक देखिए कंटिन्यू जो जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूं कि 1350 का लेवल जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अब हम यहां पर वेट कर रहे हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो है 1410 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, 1410 के ऊपर आप जो है इसमें ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूं 3-4 दिनों से कि ये मेरे को पैटर्न बहुत स्ट्रांग लग रहा है और यहां से हम नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। सो आप इसको आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा, ये मैं आपको 4-5 दिन से कंटिन्यू यही चीज बता रहा हूं। और फाइनली देखिए इस तरह के पैटर्न बहुत जबरदस्त पैटर्न होते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा हुआ है, अधिकतर पैटर्न हमने इन सब चीजों को ट्रेड किया हुआ है, देखा हुआ है, इसमें प्रॉफिट बनाए हुए हैं। सो हमको मतलब देखते ही पता चल जाता है कि मतलब यहां पर पैटर्न में क्या होने वाला है। सो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था 515 के ऊपर हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, 525 और 530, 520, 525 और 530 आपको टारगेट बताया था मैंने। तो फाइनली यहां पर देखिए आज जो है जो हाई लगा है वो 527.80 रुपए का है, ऑलमोस्ट हमारे सारे टारगेट अचीव हुए हैं। अब यहां पर जो आप यहां पर जो क्लोजिंग आई है 525.80 रुपए की आई है, अब यहां पर आप इसके डे हाई के ऊपर मीन्स 528 के ऊपर आप यहां पर कल ट्रेड बना सकते हैं, 535 और 540 यहां पर हमारे इंट्राडे के टारगेट होने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक को भी देखिए अभी शॉर्ट करने की कोशिश मत करिए, अभी इंडसइंड बैंक को हम शॉर्ट के लिए देखेंगे जब ये 900 के नीचे की क्लोजिंग देगा, जब ये 900 के नीचे की क्लोजिंग देगा तब हम यहां पर शॉर्ट के लिए 900 के नीचे की क्लोजिंग। इसको देखिए हमारे इंट्राडे का टारगेट जो होगा वो होगा 890 और 880 का, अगर ये 900 के नीचे की क्लोजिंग देता है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है 935 940 रुपए के ऊपर निकलता है, देखिए मैं लेवल आपको प्रॉपर बता देता हूं सो आपको जो है यहां पर दिक्कत ना हो, 940 रुपए के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करता है तो उसके ऊपर यहां पर आप जो है बाइंग बना सकते हैं, आपका टारगेट 950 के आसपास का होगा। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक भी मैं आप लोगों को जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी आपको मैंने बताया था कि कोटक बैंक मेरे को यहां पर सभी बैंकिंग स्टॉक में सबसे स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक रेंज, यहां पर भी आपको एक रेंज ही दिखाई देगी। सो यहां पर देखिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, तो ये दोनों जो है मेरे पॉजिटिव मेरे स्टॉक्स थे जिनको मैंने आप लोगों को फ्राइडे के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। अभी यहां पर देखिए ये जो आज का जो हाई लगा हुआ है, ये हाई लगा हुआ है 1946.90 रुपए का, और जो पिछला जो हाई था वो था 1948 का। मीन्स कहने का मतलब हमको यहां पर 1950 की क्लोजिंग चाहिए, दिस इज द मस्ट, ये मस्ट है। अगर 1950 की क्लोजिंग आती है तब हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और यहां पर जो है एक बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए आप तैयार रहिए। यहां पर 1950 के बाद ये बूम करने वाला है, बहुत अच्छा मूवमेंट देने वाला है, जिस हिसाब से पैटर्न यहां पर बना हुआ है उस हिसाब से लग रहा है 1950 के बाद ये सीधा जाकर 2000 के आसपास ही रुकेगा। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक देखिए अब यहां पर जो मैं आपको लोगों को कंटिन्यू बताते आ रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम जो है अभी कंटिन्यू बुलिश हैं। सो फाइनली देखिए इस ट्रेंड लाइन के बाहर जो है यहां पर क्लोजिंग आ चुकी है, आज की जो क्लोजिंग आई है इसके बाहर आ चुकी है। अब ये जो लेवल है हमारा 230 का, 230 के नीचे ही हमने इसको शॉर्ट करना है, अदरवाइज यहां पर शॉर्ट मत करिएगा। यहां पर मे बी ऐसा हो सकता है यहां पर कोई डोजी कैंडल बना के, कोई हैमर कैंडल बना के ऊपर की तरफ यहां से बाउंस बैक कर जाए। सो यहां पर देखिए कंफर्म ट्रेडिंग करिए, जब भी करिए कंफर्म ट्रेडिंग करिए, सस्पेंस ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए, और एक सिंपल एनालिसिस रखिए अपनी, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बिल्कुल फॉलो मत करिए, सिंपल चीजों को फॉलो करिए, सिंपल चीजें आपको यहां पर पैसे बना कर देंगी। सो यहां पर 230 के नीचे की क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद हम यहां पर सेलिंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज अगर यहां पर हम बाइंग का यहां पर कोई सिनेरियो बनता है तो बाइंग का सिनेरियो 245 की क्लोजिंग के ऊपर बनेगा। सो यहां पर 245 के ऊपर ही क्लोजिंग इसको 250 260 तक लेकर जाएगी, और यहां पर 230 के नीचे की क्लोजिंग इसको यहां पर देखिए 220 तक लेकर आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए मैं इसको बड़ा चार्ट आपको करके दिखाता हूं यहां पर, अगर देखिए यहां पर देखिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, अब यहां पर इसको एक हर्डल मिल रहा है, और दूसरा मैंने यहां पर एक लाइन ये ड्रॉ करके रखी हुई है रेजिस्टेंस लाइन। तो यहां पर देखिए इसके आसपास 276 280 के आसपास इस आसपास इसको जो है एक हर्डल देखने को मिल रहा है। यहां पर अब हम ट्रेड करेंगे 280 के ऊपर, मींस यहां पर कम से कम यहां पर 278 के ऊपर एक कैंडल यहां पर क्लोज हो तब हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम इसको अभी बाइंग के लिए ही देख रहे हैं। जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोजिंग होगी
तब हम इसको सेल के लिए देखेंगे, अदरवाइज फिलहाल हम इसको बाइंग के लिए देख रहे हैं। देखिए यहां पर 4-5 दिन से कंटिन्यू सस्टेन हो रहा है, सो यहां पर अभी आप एक कंफर्म होने दीजिए, यहां पर 280 के ऊपर या तो निकले तब हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे, या तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे तब हम इसको नीचे के लिए देखेंगे। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और देखिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर देखिए मैं आप लोगों के लिए काफी चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, वहां पर मैं वीकेंड पर आप लोगों के लिए पोजिशनल स्टॉक में पोस्ट करते रहता हूं, वो जो है मैंने पिछले वीकेंड पे लास्ट वीकेंड पे मैंने बहुत सारे मैंने चार्ट मैंने पोस्ट किए हैं, उनके लेवल उनके जो है टारगेट वगैरह सारे लिखकर मैंने पोस्ट कर दिए हैं। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको जो है सारे चार्ट मिलने वाले हैं, सारे क्लू मिलने वाले हैं, सारे हिंट मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे साथ अकाउंट ओपन करने के बाद आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां पर जो मैं ट्रेड खुद करता हूं, जो मेरे पर्सनल ट्रेड होते हैं वही पर्सनल ट्रेड में आप लोगों के साथ वहां पर ग्रुप में देता हूं। सो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ये प्रीमियम सर्विस बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, जय हिंद।